टमाटर और अदरक निकाल के गुजर बसर करते थे, जिससे इधर एक खाई भी बन चुका है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से लोग पत्थर निकाल निकाल के कैसा खाई बना दिए हैं। गिरिडीहवासी लोग खतरनाक हैं भाई। ओह माय गॉड, पत्थर ऊपर चढ़ गया, उतरने के लिए सोच रहा है। आप देखो किधर से उतरेगा ये। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं फिर से एक अनदर वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी फिलहाल मैं झारखंड में हूँ, झारखंड के ग्रामीण एरिया, झारखंड के पहाड़ी एरिया जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के में पड़ता है। तो मैं फिलहाल अभी झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया का जंगलों में हूँ। आइए दिखाऊंगा आपको मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर का जंगल एरिया, कितना खतरनाक जंगल है ये, यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे, सब दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बने रहें हमारे वीडियो में और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के पूरा जंगल और यहाँ के ग्रामीण एरिया। ये आप देख सकते हो पहाड़ी एरिया है पूरा, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। ये आप देख सकते हो पूरा पहाड़ी एरिया है, ये ग्रामीण एरिया है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया में पड़ता है ये। अबरक और कॉल फील्ड, यहाँ पे पत्थर निकलते हैं और अबरक निकलते हैं। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट अबरक में फेमस है, अबरक नगरी के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लोग अधिकतर लोग पहाड़ से पत्थर और अबरक निकाल के गुजर बसर करते थे, जिससे इधर एक खाई भी बन चुका है। आप देख सकते हो यहाँ से लोग पत्थर निकाल निकाल के कैसा खाई बना दिए हैं। गिरिडीहवासी लोग ज़्यादा करके पत्थर और अबरक पर निर्भर करके ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग देख सकते हो कितना डेंजरस खाई कर दिया है। अभी फिलहाल झारखंड में अबरक पे बैन लगा दिया है झारखंड सरकार ने, यहाँ के लोग कैसे जीते होंगे। अभी ये पहाड़ का अवस्था देखिए किस तरह से कर दिया है, कितना डेंजरस खाई बना दिया है। यहाँ के गांव भी देख सकते हो जो काला पत्थर के नाम से जाना जाता है, ये खरसान पंचायत में पड़ता है। ये आप देख सकते हो कितना डेंजरस हो चुका है। आइए आपको पूरा शेयर कराते हैं यहाँ का, दिखाते हैं और जानकारियाँ देते हैं कि झारखंड में कैसे कैसे जगह है, कैसा कैसा खाइयाँ हैं, कैसे कैसे पहाड़ है। बने रहे हमारे वीडियो में। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं अभी इस जंगल के और भी अंदर जा रहा हूं और देखता हूं क्या क्या है इस जंगल के अंदर में, कैसा कैसा माहौल है, सब दिखाऊंगा आप लोगों को। बने रहे हमारे वीडियो में। फाइनली दोस्तों हम जंगल के अंदर आ चुके हैं। जंगल में हमें देखने को मिला है बहुत सारा जामुन का पेड़ और अमरूद का पेड़ लगाया गया है। ये शायद झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीणों के बिजनेस के लिए, ग्रामीणों के विकास के लिए, जंगल के अंदर खेती करने के लिए, जंगल के अंदर कैसे खेती करके गुजर करना है, कैसे बसर करना है, उसके लिए टेक्निक के द्वारा जंगल में अमरूद का पेड़ लगाया गया है। जैसे जामुन हो गया, अमरूद हो गया, और भी बहुत सारे पपीता वगैरह का फल लगा है, ये आप देख सकते हो। इसी से बहुत सारे मार्केटिंग में जाते हैं जामुन वगैरह, अमरूद वगैरह, ये आप देख सकते हो जंगल के अंदर बना है, ये लगाया गया है छोटा सा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। फिर से मैं यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से है, यहाँ का माहौल ये देख लीजिए। और चलिए चलते हैं और भी उस पहाड़ी के अंदर, देख सकते हो आप कितना घना पहाड़ी है। वो पहाड़ी के अंदर जाते हैं और देखते हैं, जाते हैं उस पहाड़ी के अंदर और देखते हैं उस पहाड़ी में भी क्या क्या देखने को मिलता है हमें। ये आप देख सकते हो इधर का माहौल कुछ इस तरह से।
ये देख सकते हो पहाड़ में रास्ता नहीं है, कैसा कैसा रास्ता से होके जाना पड़ता है इस पहाड़ के अंदर। तो फाइनली दोस्तों, जो पहाड़ आप लोगों को दिखा रहा था, मैं उस पहाड़ के नीचे आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो पहाड़, देखिए कितना घना पहाड़ है, कितना डेंजरस पहाड़ी है। देखो भाई मेरा चढ़ रहा है इसके ऊपर, हमें भी चढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। ये देखिए रास्ता भी नहीं जाने का, किधर से जाऊँ सोच रहा हूँ, वैसे चलते हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर। कितना खतरनाक है भाई, ओह माय गॉड, भाई चढ़ रहे हैं किधर से, किधर से, भाई कितना डेंजरस, कितना खतरनाक पहाड़ है जो चढ़ रहे इसके ऊपर। आप लोग को भी दिखाते हैं हम ऊपर में बैठने की, आने देखो इधर से चढ़े थे हम, कितना डेंजरस है देखो भाई। और भी ऊपर, यस फाइनली आ गए। कितना खतरनाक पहाड़ है, माउंटेन ट्रेकिंग कर रहे हैं अभी हम, देखिए देखो भाई मेरा एजाज भाई भी ऊपर आ चुका है फाइनली, देख सकते हो आप। एजाज अब देखो एक बार हाय बोल दो, मैं सब्सक्राइबर लोग को हाय बोल दो। देखो मैं आप लोगों के लिए कितना रिस्क लेता हूँ, देखो इधर नहीं जाने को, उधर जाके दिखाता हूँ, आ रहा हूँ आपको। ऊपर चढ़ गया, उतरने के लिए सोच रहा, देखो किधर से उतरेगा, ये कैसे कैसे उतरेगा, जरा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सोच लो कितना डेंजरस है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 500 मीटर का ऊंचा बना हुआ ये पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहे हैं। देखिए इसके ऊपर भी चलते हैं, देखते हो इधर से चढ़ने का रास्ता है, इधर से आते हुए इधर से फिर इधर से ऊपर चढ़ने का रास्ता है, इधर से भी जा सकते हो आप, दिखाते हैं जाके ऊपर हम। ओ माय गॉड, इसके ऊपर चढ़ते हैं, किधर से जा रहा है भाई, रास्ता बता मेरे को भी। देखो कैसा खतरनाक जगह है ये, देखिए कैसा जगह आ चुके हैं, बहुत डेंजरस जगह है, इसके ऊपर चढ़ेंगे हम, देखो इधर से। Through the way.
wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I तो फाइनली दोस्तों हम पहाड़ और जंगल दिखाने के बाद आ चुके हैं झारखंड के सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदियों में से एक है ये, जो सकी नदी के नाम से जाना जाता है। ये गांवा सतगावा मुख्य मार्ग से सटा हुआ है। तो आइए दिखाते हैं ये सकी नदी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.